नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय, न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरे गुलदावरी प्लांट, जिसमें कलियाँ बनी हुई थी वो खिल गई है और छोटे छोटे से येलो कलर के फ्लावर आए हुए। ये मैं 20 रुपये में लेके आया था प्लांट, और देख सकते हो आप कितना घना हो गया है, छोटा सा प्लांट था। तो आज का हमारा टॉपिक है मधु कामिनी, जिसे मिनी कामिनी भी बोलते हैं, टेबल कामिनी। उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि उसमें फ्लावरिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, और उस प्लांट को आप घना कैसे बना सकते हो, और देखभाल कैसे करनी है, उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखिए, सबसे पहले तो ये मेरा मधु कामिनी का प्लांट है। ये भी मैं 20 रुपये में ही लेके आया था नर्सरी से। ये देख सकते हो एरिया के वाइज इसकी प्राइस रहती है, जैसे एरिया वैसे इसकी प्राइस रहती है। तो मुझे छोटा सा प्लांट मिला था वो 20 रुपये में लेके आया, कम से कम लगभग 7-8 महीने जितने हुए हैं गार्डन में ऐड किया हुआ। और मैंने ये लगाया है 12 इंच के पॉट में। ये देख सकते हो सीमेंट का पॉट है 12 इंच का, उसी में लगा के रखा है। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी के बारे में बात करूं, तो जब हम कोई भी गमले में प्लांट लगाते हो, प्लास्टिक का हो सीमेंट का हो, गमले में अगर प्लांट लगा रहे हम तो मिट्टी एकदम अच्छी सी वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। वेल ड्रेन मिट्टी का मतलब है कि जिसमें पानी ना रुके, जिसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि पानी रुकता है तभी हमारा प्लांट ख़राब होता है। चलिए, जब प्लांट ख़राब नहीं होता, पानी रुकने से ही प्लांट ख़राब हो जाता है, कभी कभी ओवर वाटरिंग हो जाती है, अंडर वाटरिंग। तो इसी वजह से, इसीलिए सबसे पहले आप जब मिट्टी बनाएं तो अच्छी सी वेल ड्रेन होनी चाहिए। वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप लगभग 40-50% के आसपास नॉर्मल गार्डन सॉइल ले सकते हो, जिसमें आप 30% रिवर्स एंड मिला दीजिए, जिसे बालू मिट्टी भी बोलते हैं। रिवर्स एंड नदी की जो रेत आती है वो वाली सॉइल, उसको मिलाइए, और 20-25% के आसपास खाद मिला दीजिए। कोई भी खाद, जो भी खाद आपके पास पड़ी हो वो आप मिला सकते हो। गोबर की खाद ले रहे हो तो अच्छे से सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, क्योंकि गोबर की खाद नई खाद होगी तो फंगस लगाएगी और फिर आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। नए नए प्लांट रिपोर्ट करते हो तो खाद अच्छी से सड़ी हुई हो, खाद सड़ी हुई नहीं होगी गोबर की खाद, तो क्या होगा कि आपके प्लांट की जड़ों में फंगस लगाएगी और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और मिट्टी में बना रहे हो तो लगभग 1 चम्मच के आसपास फंजीसाइड पाउडर मिला दीजिए। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप इसमें हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गई मिट्टी की बात कि हमें ऐसी मिट्टी बनानी चाहिए। अब इसको कैसी जगह प्लेस करना है, किस जगह पे रखना है ताकि आपका प्लांट एकदम हरा भरा बना रहे और फ्लावरिंग करे, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए इसको अच्छी सी धूप चाहिए। तो आप ऐसी जगह पे इसको रखिए जहाँ कम से कम इसको दिन की 3-4 घंटे की धूप मिले, क्योंकि जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतने अच्छे से प्लांट ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग करेगा। छाँव में ये प्लांट क्या है, ग्रोथ तो करता रहेगा पर फ्लावरिंग नहीं करेगा, इसकी पत्तियाँ हरी हरी बनी रहेगी। ये मेरी पत्तियाँ दिख रही है पीली, क्योंकि सर्दियों का मौसम अभी चल रहा है, इसलिए डोरमेंसी पीरियड है, तो इसमें देखिए काफ़ी सारी पत्तियाँ भी जड़ गई है, तो इसी वजह से पत्तियाँ पीली है। तो काफ़ी सारी पत्तियाँ देखिए, ये सब पत्तियाँ जड़ गई है, अब धीरे धीरे एक एक करके नीचे गिर रही है पत्तियाँ। तो ये हो गई धूप की बात कि आप कम से कम लगभग इसको 3-4 घंटे की धूप चाहिए, ऐसी जगह पर रखिए जहाँ इसे अच्छी से अच्छी धूप मिले, और ये प्लांट अपने आप में घना होता रहता है। बस आप इसको रेगुलर टाइम पानी देते रहिए, खाद देते रहिए। ये देखिए, जब इसको यह फ्लावरिंग हो रही है, अगर फ्लावरिंग ना होती हो और ब्रांच अगर बड़ी बड़ी हो रही है तो आप यहाँ से कट कर दीजिए, तो यहाँ से और नीचे से ब्रांच निकल के आएगी। तो इस तरह आप प्लांट को घना बना सकते हो, जैसे जैसे आप कट करोगे और ज़्यादा ब्रांच निकल के आएगी। इस तरह क्या होता है, प्लांट आपका बुशी होता जाता है। अब आपको अभी सर्दियों में क्या करना है कि सर्दियों में इसका डोरमेंसी पीरियड चल रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस लगभग मैंने इसको खाद दी, 1.5 महीना हो गया है, अब धीरे धीरे सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी कम हो रही है,
ठंड कम हो रही है तो धीरे धीरे 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो अब क्या करना है, इसको एक बार अच्छे से मिट्टी को गुड़ाई कर देनी है। मिट्टी को गुड़ाई करके 1-2 दिन ऐसे ही रखना है, 1 दिन पानी नहीं देना है। मिट्टी जब अच्छे से सूख जाए उसके बाद आपको खाद देनी है। तो मिट्टी की गुड़ाई किस तरह करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जिस किस चीज़ से आप मिट्टी की गुड़ाई कर रहे हो तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हल्की सी लेयर ऊपर की कुरेद दीजिए, इस तरह से देख सकते हो। मैंने गमले में और भी सारे मतलब कटिंग लगा के रखी है, प्लांट लगा के रखे हैं, तो इसीलिए मैं इसे धीरे 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 कर रहा हूँ ताकि दूसरा प्लांट कोई खराब ना हो या टूटे नहीं। देख, इस तरह से आपको गुड़ाई कर देनी है। इस तरह से गुड़ाई करके मिट्टी को आपको लगभग 1 दिन तक सूखने देना है। जब मिट्टी सूख जाए ऊपर की, तब उसमें खाद मिला के मिट्टी को मिक्स कर दीजिए। क्योंकि मिट्टी इसलिए सूखनी चाहिए कि अभी सर्दियाँ चल रही है और आप गीली गीली मिट्टी में गुड़ाई करके तुरंत खाद डाल के पानी डाल दोगे तो फिर फंगस लग जाए। इससे अच्छा है कि मिट्टी सूख जाए ऊपर और खाद डाल दीजिए, और खाद देने के बाद ऊपर से थोड़ा मिक्स करके फिर आप वाटरिंग करिए ताकि प्लांट खराब ना हो। और इसको पानी आपको 2-3 दिन में एक बार देना है, जब आपको लगे कि इसकी मिट्टी थोड़ी थोड़ी ड्राई हो रही है, सूख रही है ऊपर की लेयर। इसको अभी सर्दियों में ज़्यादा पानी चाहिए नहीं, इसलिए इसको थोड़ा कम कम पानी दीजिए। और इसमें फ्लावरिंग के लिए आप ज़्यादा तो वर्मी कंपोस्ट डालिए, और उसके साथ मैं डालता हूँ ह्यूमिक एसिड, ह्यूमसिल जी ह्यूमिक एसिड आता है। मैं लगभग महीने में एक बार मतलब 8-10 दाने ह्यूमिक एसिड के डालता रहता हूँ प्लांट में। ह्यूमिक एसिड का फ़ायदा ये होता है कि प्लांट की जो जड़ें रहती है वो बढ़ने में विकास करता है, और जो जड़ होती है वो मजबूत होती है, और उस वो प्लांट को न्यूट्रिशन लेने में मदद करता है। तो इसी वजह से मैं ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं काफ़ी सारे प्लांट में डालता हूँ और अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। तो इस तरह मैं इस प्लांट की केयर करता हूँ और खाद देता हूँ। अगर आपके पास ह्यूमिक एसिड नहीं है तो आप थोड़ा सा बोन मील भी मिला सकते हो। बोन मील भी नहीं है तो गोबर की खाद चलेगी, गोबर की खाद या हो वर्मी कंपोस्ट जो भी हो आप मिला के इस प्लांट में दे दीजिए, तो बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट फ्लावरिंग करेगा। और इस टाइम देखिए मेरे प्लांट में कितना, ये गर्मियों में और बारिश में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। और इस प्लांट को चाहे तो आप कटिंग से भी लगा सकते हो, बारिश के मौसम में कटिंग से भी लग जाएगा। तो आपका मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, बाय।